हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे राइट ऑफ पॉन। लास्ट लेक्चर में हमने प्लेज को पढ़ा था। प्लेज में दो पार्टीज होती हैं, एक पॉनर एक पॉनी। ठीक है, पॉनर जो बेलमेंट ऑफ गुड्स है उसको पॉनी के पास रखता है एज ए सिक्योरिटी। ठीक है, किस लिए? कि वो प्रॉमिस को परफॉर्म करे और जो उसने पेमेंट ऑफ डेब्ट के लिए, जो उसने ऋण लिया है उसका पेमेंट करे, इसलिए। ठीक है, राइट ऑफ पॉनी, अगर राइट पॉनी के राइट की बात करूँ मैं, ठीक है, तो इसके पास चार राइट्स हैं। ठीक, पी बड़ा पॉनर और छोटा पी पॉनी से डिनोट कर रहे हैं। इस पॉनी को ये राइट है, क्या राइट है? राइट टू रिटेन। ठीक है, राइट टू रिटेन मतलब जो गुड्स है उसको रोके रखने का, अपने पास रोकने का अधिकार है। और पॉनी के पास में ये राइट है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, न केवल पेमेंट ऑफ डेब्ट हो जाए और एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस हो जाए, बल्कि बट आल्सो जो डेब्ट है, डेब्ट पर कोई अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट एंड ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है, पेमेंट ऑफ डेब्ट और एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस, इसके लिए और बल्कि जो इंटरेस्ट है, डेब्ट पर इंटरेस्ट है वो, और ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए ये गुड्स को अपने पास रिटेन कर सकता है। ये पॉनी का राइट है। ठीक है, क्या राइट है? कि वो सामान को जब तक, जो उस पर बेलमेंट ऑफ गुड किया गया है उसको तब तक रखेगा जब तक पेमेंट ऑफ डेब्ट ना हो जाए, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस ना हो जाए, और डेब्ट पर अगर कोई इंटरेस्ट है वो उसे ना मिल जाए, और जो भी ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस, जो भी उसने आवश्यक एक्सपेंसेस खर्चे किए हैं वो ना मिल जाए, तब तक वो उसको रिटेन करने का राइट है। किसका? पॉनी का। ठीक है जी, अब दूसरा राइट एज टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, जो गुड्स था, गुड्स की सिक्योरिटी की पर जो भी इसकी, इसको संभाल कर रखने में जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, उसके नेसेसरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आए हैं, ठीक है, उनको उनको भी प्राप्त करने का इसको राइट है। ठीक है, जो भी गुड्स की सिक्योरिटी के संबंध में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस उसने किए हैं उनको प्राप्त करने का उसको राइट है। तो राइट टू रिटेन हो गया और राइट एज टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हो गया, राइट अगेंस्ट द डिफॉल्ट ऑफ पॉनर। ठीक है, डिफॉल्ट ऑफ पॉनर, ये मैंने बताया था, इसमें ये ओनर और ये ओनी। ठीक है, जो ओनर है ये डिफॉल्ट करता है। डिफॉल्ट मतलब कि जो फिक्स्ड टाइम था, फिक्स्ड टाइम के भीतर क्या नहीं करता, नो पेमेंट ऑफ डेब्ट। ठीक है,
और या नो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस, प्रॉमिस का एग्जीक्यूशन नहीं करता, ठीक है। तो ये जो पॉनी है इसके पास ये राइट होगा कि वो इसके संबंध में, ठीक है, सूट इंस्टीट्यूट कर सके, सूट इंस्टीट्यूट कर देगा, ठीक है। और जो ओनर है उसको एक नोटिस दिया जाएगा और नोटिस के बाद में ये गुड्स को सेल करके, ठीक है, अपना पैसा प्राप्त कर सकता है, ठीक। और बेचने के बाद यदि पैसा कम मिला, ठीक है, मान लीजिए 5 लाख रुपए दिए और जो सोना रखा था वो केवल 3 लाख रुपए की ही उससे वसूली, तो 2 लाख रुपए के लिए फिर वो आगे फर्दर कार्यवाही कर सकता है। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन रही, मान लीजिए जो ज्वेलरी रखी हुई थी, ठीक है, वो लगभग 7 लाख रुपए की हुई, जबकि जो डेप्ट लिया था, जो लोन लिया था, वो उसने केवल 5 लाख रुपए का लिया था, 2 लाख एक्स्ट्रा है, तो 2 लाख जो एक्स्ट्रा है वो उसको वापस करने होंगे, ठीक है। ये इसका राइट है, राइट अगेंस्ट द डिफॉल्ट ऑफ द ओनर। अगर ओनर डिफॉल्ट कर रहा है, फिक्स टाइम में पेमेंट नहीं कर रहा या एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस नहीं कर रहा, तो इस पर राइट हो जाएगा, सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है और जो ओनर है उसको नोटिस दे करके, ठीक है, रीजनेबल नोटिस दे करके उससे जो है उस गुड्स को बेच सकता है, और जो भी उससे प्राप्त है, प्राप्त धन अगर कम है तो फर्दर कार्रवाई कर सकेगा, और अगर ज़्यादा है तो उसको वापस करना होगा, ठीक है। राइट टू लेन क्या है? अंटिल, जब तक पेमेंट ऑफ डेब्ट ना हो जाए, ठीक है, और एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस ना आ जाए, तब तक उसका लेन का राइट बना रहता है। लेन मतलब धारणा अधिकार, उन पर कब्जा बनाए रखने का, उनको उनके संबंध में लेन क्या है, उन पर धारणा अधिकार बनाए रखेगा, उन पर कब्जा रखे रखेगा, जब तक कि उसका पेमेंट ऑफ डेब्ट ना हो जाए, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस ना हो जाए। तो ये स्टूडेंट्स राइट्स हमने आज देखे, पॉनी के राइट्स, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।